हम लोग कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के पी वाई क्यूज, उसके पी वाई क्यूज कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। देखो 55th क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन द रिएक्शन दिस एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई रिस्पेक्टिवली क्या है आपके। तो देखो इसमें रिएजेंट क्या डाले, Na Na2 इन लिक्विड अमोनिया और फिर आपका RX इथाइल ब्रोमाइड। तो देखो Na Na2 हम लोग Na Na2 क्यों यूज करते हैं, फॉर आइडेंटिफाइंग द टर्मिनल हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब समझो कोई भी अल्काइन है, वो टर्मिनल अल्काइन है कि कौन सा अल्काइन है। देखो अगर वो टर्मिनल अल्काइन होगा तो उसके उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये sp कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये एसिड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह बिहेव करेगा और ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा अगर वो टर्मिनल अल्काइन होगा। तो टर्मिनल अल्काइन है कि नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हम लोग करते हैं NaNH2 का टेस्ट। ओके तो ये टेस्ट है। तो पहले रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, देखो पहले NaNH2 डाल दिया तो CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH, इसने इसको खाली ओपन कर दिया, इसको ये कर दिया, तो थोड़ा दिखाने के लिए सही। पहले NaNH2 डाला हम लोग ने अगर, तो क्या हो जाएगा CHCNA, ये टेस्ट है। ओके फिर क्या हो गया आपका, और ये H चला जाएगा फिर अमोनिया के साथ। ओके अमोनिया मिल गया मतलब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट टर्मिनल अल्काइन। फिर इसमें हम लोग ने डाला RX, तो RX की जगह पे हमने क्या दिया CH3CH2Br। अभी Na और Br जुड़ जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3CH2, तो ये क्या हो गया आपका ब्यूट वन आइन। तो एक्स इज ब्यूट वन आइन, तो एक्स वाला क्या है ब्यूट वन आइन, ब्यूट वन आइन दो ऑप्शन में दिख रहा है हमें। अभी इसके अंदर वापस NaNH2 लिक्विड अमोनिया फिर वही सेम डाल दिया। ओके तो अभी इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं इसके पास है, हाँ ओके तो ये वाला यूज हो जाएगा। तो CH ये ट्रिपल बॉन्ड CH2CH3 ये टू ये थ्री, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन की जगह पे Na आ जाएगा, फिर Na के बाद क्या आ जाएगा CH2CH3। तो क्या हो गया आखिर में, ये जाके लास्ट में आपका क्या बनेगा, ये सी 1 2 3 4 5 6 कार्बन 1 2 3 इधर से बिलो 1 2 3, तो हेग्स 3 आइन, तो वाई वुड बी हेग्स 3 आइन, तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स प्रोडक्ट कंबर्शन प्रोडक्ट CO2। CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, तो इसमें से sp कौन है, इथेन इथीन इथाइन, ऑब्वियसली इथाइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इथाइन H2SO4 Hg+2 H2SO4 मतलब H++ भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन लोग CH3CHH+ H++ और Hg+, ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, तो आपको याद रहना चाहिए किसका टेस्ट है। द प्रोडक्ट पी विल नॉट गिव, द प्रोडक्ट पी विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट, ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, कौन सा टेस्ट नहीं देगा। पहले प्रोडक्ट पी क्या है वो फाइंड आउट करना है हमें। आपका इस केस में सी डबल बॉन्ड सी, इसका पूरा मैकेनिज्म पे जाओगे, ओके पूरे मैकेनिज्म पे जाके आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट पी में, CH3CH, इट विल कन्वर्ट अल्काइन इनटू एल्डिहाइड। ओके टर्मिनल अल्काइन है तो एल्डिहाइड में चल जाएगा, अगर नॉन टर्मिनल है तो कीटोन बन जाएगा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो अगर टर्मिनल, अगर हम लोग इसमें चार्ट बनाने चाहें कोई भी अल्काइन टर्मिनल टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, ऐसा टर्मिनल रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, नॉन टर्मिनल रहेगा तो कीटोन हो जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट कौन है, रिएजेंट इज Hg+ एंड H++, बट एक्चुअली पहले हम लोग H++ डालते हैं, तो सबसे पहले उसको ही लिखना चाहिए H++ फिर Hg+, तो ये रिएजेंट ये रिएक्शन आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO, कार्बन नंबर सेम रहता है, तो ये आइडोफॉर्म दे देगा क्या, मैंने आइडोफॉर्म के लिए बोला क्या था, ये ग्रुप रहना चाहिए फॉर एल्डिहाइड का केस, और या तो ये ग्रुप रहना चाहिए फॉर अल्कोहल के केस के लिए, तो होगा आइडोफॉर्म दे देगा, एल्डिहाइड टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, एल्डिहाइड ब्रैडीज रिएजेंट टेस्ट देगा, पर विक्टर मेयर टेस्ट इज फॉर अल्कोहल, ये अल्कोहल है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1-ब्यूटाइन एंड 2-ब्यूटाइन। देखो 1-ब्यूटाइन और 2-ब्यूटाइन में ब्यूटाइन 4
अगर ब्यूटाइन टर्मिनल, वन ब्यूटाइन मतलब टर्मिनल हो गया, टू ब्यूटाइन मतलब नॉन टर्मिनल हो गया, तो टर्मिनल नॉन टर्मिनल के बीच में डिस्टिंग्विश कौन करेगा आपका? NaNH2। अभी हम लोग ने पहला समय उसके बेसिस पे स्टार्ट किया था। आयुपैक नाम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देखते हैं अभी। तो हमें कंपाउंड क्या दिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो हमें नेमिंग पैरेंट चेन तो यही है और कोई ब्रांच है भी नहीं, हमें नेमिंग कहाँ से करना है, जहाँ से सबसे लोएस्ट पे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो यहाँ पे पहले ही फंक्शनल ग्रुप पहला आ रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही नाम लेंगे। इधर से जाएंगे तो सेकंड पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो वो नहीं जाएगा। अभी नाम लिखते वक्त क्या करना है, इन मतलब डबल बॉन्ड को सबसे पहले लिखना है, भले ही नंबरिंग उसका लास्ट में रहे। तो डबल बॉन्ड को क्या लिखेंगे, पेंट 4-ईन-1-आइन ऐसा आएगा, पेंट 4-ईन, इसमें से ई एक ड्रॉप कर देंगे, 4 पेंट, पेंट 4-ईन कहाँ दिख रहा है आपको, हाँ पेंट 4-ईन नहीं 3-ईन आएगा, बराबर लोएस्ट रहे ना, 3 और 4 पे डबल बॉन्ड है तो थोड़ी लोएस्ट आएगा, तो पेंट 3-ईन-1-आइन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बेस स्ट्रेंथ ऑफ, बेस स्ट्रेंथ मतलब लोन पेयर देने की कैपेसिटी, लोन पेयर देने की कैपेसिटी इज बेस स्ट्रेंथ। तो वो कैपेसिटी किस में ज़्यादा है, देखो ये जो सी वाला है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो लोन पेयर देना चाहेगा क्या, अपने पास जो नेगेटिव चार्ज है नहीं देना चाहेगा क्योंकि उसके ऊपर स्टेबल है। और ये sp3 वाला है और उसके पास प्लस एक आर ग्रुप भी है, प्लस आर ग्रुप, तो ये दे देगा क्या आसानी से, यस। तो ए वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका बी होगा, फिर आपका सी होगा, तो 60 का ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट सी ऑप्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन बाय BUT1-ion, BUT1-ion प्लस HCl गिव्स बी, उसमें HI डालोगे तो क्या मिलेगा, देखो BUT1-ion में HCl डालोगे, HCl विल शो मार्कोनिकार्फ इफेक्ट, तो आपका प्रोडक्ट बी क्या बनेगा देखते हैं, CH3 CH2 सी, यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl डबल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, सेकेंडरी कार्बो कैटायन। फिर HI डालेंगे तो HI का भी I इधर ही आएगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बो कैटायन सेकेंड मोस्ट स्टेबल, तो आपको कौन सा ऐसा दिखेगा, ये टर्मिनल पे जाएगा क्या, नहीं ये आपका बीच में आ जाएगा, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसको हम लोग ने मतलब अल्काइन का ओजोनोलिसिस कर दिया फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया। यस देखो अल्कीन का ओजोनोलिसिस करोगे, अल्कीन का ओजोनोलिसिस करोगे आप तो आपको कार्बोनिल प्रोडक्ट मिलता है क्या, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा। अल्काइन का ओजोनोलिसिस करोगे इसमें भी सेम मिलेगा, बट यहाँ पे आपको ZN दिख रहा है क्या, अल्काइन का ओजोनोलिसिस करोगे तो यहाँ पे भी अल्काइन के केस में, अल्काइन के ओजोनोलिसिस में भी आपको कार्बोनिल बनेगा, बट यहाँ पे कुछ हाइड्रोलिसिस दिया है, ZN नहीं दिया है। हाइड्रोलिसिस के केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, H2O2, ये भी हमें पता है, ZN नहीं दिया है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो हम लोग इसको कार्बोनिल में से एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, तो हमें पता है कि नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। ओके तो देखते हैं अभी सबसे अच्छा ट्रिक क्या है। देखो पहले अपने लॉन्ग कट बताता हूँ, मतलब जो भी अपना नॉर्मल मेथड है वो बताता हूँ, फिर आपको ट्रिक बताऊँगा। इसमें सी आ जाएगा CH2 CH3, ये आपका हो गया अल्काइन जो हमें दिया है क्वेश्चन में। अभी जब हम लोग इसको ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट, ओजोनोलिसिस करना है तो हमें पहले तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये तीनों बॉन्ड तोड़ दोगे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ओके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये और ये बॉन्ड टूट जाएंगे। ओके कैसे टूटेंगे, ये अंदर से जाके इसके पीछे से आके ये फिर टूटेगा। ओके फिर ऐसा टूटता है, ऐसा कुछ क्लीवेज रहता है इस केस में, तो क्या बचा, CH3 CO CO CH2 CH3, फिर OH OH, H2O यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग, H2O2, तो यहाँ पे OH OH टूट जाएगा, CH3 COOH प्लस CH3 CH2 COOH, तो ये कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इसमें क्या करो आप, एक ओ ओ कर दो और एक ओ एच ओ एच को तोड़ दो, बाकी सबको ज्वाइन कर दो इसमें CH3 COOH, इसमें भी वही बन जाएगा। शॉर्ट ट्रिक यही है, ज़्यादा कुछ शॉर्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ NaNH2 टू गिव सोडियम सॉल्ट, दिस आइडेंटिफाई द कंपाउंड। NaNH2 के साथ कौन कंपाउंड रिएक्ट करेगा, आप जिसके पास एसिडिक रहेगा हाइड्रोजन, तो 63 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्शन ऑफ 2-ब्यूटाइन विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया
गिव्स प्रीडोमिनेंटली। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कौन सा रिएक्शन में यूज होता है? तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया मतलब ब्यूट टू आइन प्लस सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या देगा आपको? ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन देगा। तो आपको क्या मिलना चाहिए? 64 का सी ट्रांस अल्कीन मिलना चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्टली इसका रिडक्शन कराएंगे निकल इन विद प्लैटिनम, प्लैटिनम पैलेडियम अगर कराएंगे तो सिस अल्कीन की मदद से वो डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा अल्कीन में, ब्यूटेन में। बट अगर इसमें, इस केस में अगर यूज़ करेंगे हम लोग लिक्विड अमोनिया तो इसमें ट्रांस अल्कीन में रुक जाएगा आके। ओके नाउ 65th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? दिस रिएक्शन रिएजेंट क्या होना चाहिए ताकि ये बन जाएगा? ओके आर सी एच एच फिर सी दो सी एल आर वुड गिव यू आर ट्रिपल बॉन्ड सी आर, ये आना चाहिए। ओके तो ये एच सी एल चला जाना चाहिए, ये एच सी एल चला जाना चाहिए। तो ऐसा कौन काम करेगा? देखो एल्कोहलिक के ओ एच, एल्कोहलिक के ओ एच क्या करेगा आपका? ये काम कर देगा। ओके देखो एल्कोहलिक के ओ एच जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है वो तो एलिमिनेशन कराएगा एच सी एल का, बट इसमें दो एच सी एल का एलिमिनेशन होगा ना। दो एच सी एल के एलिमिनेशन के आपको सेकेंड स्टेप में एन ए एन एच टू भी डालना पड़ेगा। पहले स्टेप में तो कर देगा बट अल्कीन का, अल्कीन से एलिमिनेशन करके अल्काइन बनाना डिफिकल्ट है फॉर एल्कोहलिक के ओ एच, उसके इसमें एन ए एन एच टू आ जाएगा। बट ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया नहीं तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। बट आप याद रखो कि अगर आप एल्कोहलिक के ओ एच डालोगे तो आपको अल्कीन मिल जाएगा अल्काइन से एलिमिनेशन होके, फिर इसको अल्केन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्केन से एलिमिनेशन करके अल्कीन मिलेगा, फिर अल्कीन से और एक एलिमिनेशन करने के लिए, कराने के लिए आपको एन ए एन एच टू डालना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एन ए एन एच टू डालोगे तो डायरेक्टली आपको ये अल्काइन मिल जाएगा, क्योंकि डबल डबल एलिमिनेशन का काम, डबल एलिमिनेशन का जो भी पावर है वो सिर्फ और सिर्फ एन ए एन एच टू के पास है, ये सिर्फ एक ही एलिमिनेशन करा सकता है। ओके बट इस केस में कुछ दिया नहीं तो ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाएगा। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपाउंड 3 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड? कंपाउंड 3 क्या है? टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन है ये, और बाकी ये नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये है अल्केन, ये है अल्कीन। तो इन सब से कौन इसको अलग कर देगा? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड, ब्रोमीन इन टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहलिक के एम एन ओ फोर। इसके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये दे देगा आपका, क्योंकि ऑप्शन ये जो थर्ड है ना ये आपका देगा टॉलेंस टेस्ट, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ओके ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि टॉलेंस टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड नहीं देंगे, आपका ये भी दे देगा टर्मिनल अल्काइन या तो अल्क वन आइन, वन आइन वाले जो भी रहेंगे वो भी टॉलेंस टेस्ट देंगे। तो टॉलेंस टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। नेक्स्ट क्या है? एसिटिलिनिक हाइड्रोजन आर एसिडिक बिकॉज, एसिटिलिनिक हाइड्रोजन मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन, उसको एसिटिलिनिक हाइड्रोजन बोल देते हैं क्योंकि सी एच सी एच, इसको हम लोग एसिटाइल बोलते हैं, एसिटिलीन, इसको हम एसिटिलीन बोलते हैं। तो इसके हाइड्रोजन को एसिटिलिनिक हाइड्रोजन बोल देंगे क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सी एच बॉन्ड इज एसिटिलीन इज नियर टू कार्बन विच हैज 50% एस कैरेक्टर। एसिटिलीन हैज वन ऑफ द ओपन हाइड्रोजन इन ईच कार्बन नहीं, एसिटिलीन कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अमंग द पॉसिबल हाइड्रोकार्बन विद टू कार्बन नहीं, फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है वो भी नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 50% एस कैरेक्टर, 50% एस कैरेक्टर है तो हमें पता है एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो एसिडिक हो जाता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, देखो ये तो ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन है, ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन तो ये तो एरोमेटिक है ही। इसमें देखो ये इधर कुछ भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है, मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp3 आ गया तो ये प्लेनर ही नहीं रहा, तो हकल्स रूल फर्स्ट लॉ फॉलो ही नहीं हुआ। हकल्स रूल क्या बोलता है? तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्यों हो गया? देखो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अभी हकल्स रूल क्या बोलता है? देखो हकल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी, उसमें सबसे पहला है कि आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए प्लेनर, प्लेनर के लिए आपके पास sp2 प्लेनर, सेकंड होना चाहिए आपका साइक्लिक कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन। तो इसमें आपको साइक्लिक कॉन्जुगेशन देखने मिल रहेगा? नहीं, पार्शियल कॉन्जुगेशन देखने मिल रहा है क्योंकि एक आ गया आपका sp3 कार्बन का, थर्ड आ गया आपका sp3 नहीं होना चाहिए। ओके फोर्थ आपका रूल फॉलो होता है कि 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये हो गया आपका हकल्स रूल फॉर एरोमेटिसिटी। तो इसमें आपका पहला ही स्ट्रक्चर ये नहीं हुआ कि sp3 नहीं है, sp2 होने के कारण ये क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। तभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। देखो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करने वाला है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वुड बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे। तो एक ही ग्रुप दिख रहा है हमें OH, तो ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट हो जाएगा, ये नॉर्मल वाला है और ये EWG तो उसको रिड्यूस कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके C7H8 ये कौन सा कंपाउंड है आपका, C7H8 इज टोलिन, आपका टोलिन बन रहा है C7H8। टोलिन के अगर टोलिन के ऊपर हम लोग 3Cl2 डालेंगे, 3Cl2 ओके, तो आपको कंपाउंड ए मिलेगा। ओके कंपाउंड ए और ये डी और एक रिएजेंट है, पर हमें पूछा क्या है सी। 3Cl2 के साथ हम लोग हीट, ये डी की जगह पे आप क्या डालोगे, हीट, हीट करोगे तो आपको मिलेगा CCl3। इसको आप फिर BrFe के साथ यूज़ करोगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। फिर इसको आप रिड्यूस करोगे ZnHCl के साथ तो आपको मिल क्या जाएगा, आपको वापस CH3 और ये ब्रोमीन। तो आपको मेटाब्रोमोटोलिन विल बी प्रोडक्ट, तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों ने ये क्यों किया Cl से, इसको प्रोटेक्ट क्यों किया, अगर हम लोग ब्रोमीन डालते तो यहाँ पे भी ब्रोमीन आ सकता था, एक प्रोडक्ट ऐसे ही मिलता था, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है प्लस आर, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो ब्रोमीन प्लस आर है तो यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, तो ब्रोमीन इज लेस नेगेटिव, तो मतलब सॉरी मेटा पोजिशन इज लेस नेगेटिव और ब्रोमीन आपस में खुद नेगेटिव है, तो ये कहाँ चले जाएगा मेटा पोजिशन पे, क्योंकि हमें मेटा प्रोडक्ट बनाना था। ओके और ये आपको CH3 का प्रोडक्ट, मतलब आपको टोलिन चाहिए था, तो इसीलिए हम लोग ने पहले इसको प्रोटेक्ट किया CH3 ग्रुप को, फिर हम लोग ने ब्रोमीन डाला, फिर वापस उसको रिड्यूस करके वापस हम लोग ने बना दिया मेटाब्रोमोटोलिन। ओके कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सड H2SO4 एंड HNO3। इफ लार्ज अमाउंट ऑफ KHSO4 इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बिकम फास्टर, अनचेंज, स्लोअर और डबल। ये बिकम स्लोअर क्यों, क्योंकि K+ और SHO4 माइनस में टूटेगा, फिर वहाँ से H+ लेके ये H2SO4 बन जाएगा, तो H+ तो यूज़ हो जा रहा है ना, H+ यूज़ हो रहा है तो वो स्लोअर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। गिवन आपको तीन स्ट्रक्चर्स दिया है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इन द ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। अभी इनमें से अल्किन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, हमें पता है ये एरोमेटिक रिंग वाला सबसे स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें, हम लोग पहले लिखते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 > 2 फिर आपका 3, तो स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो क्या हो जाएगा 3 > 2 > 1, तो ऐसा कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में।